सो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं कुछ इस टाइप की होली की फोटो एडिटिंग वीडियो सिखाने वाला हूँ। जैसे कि नहीं, आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा विदाउट स्किप एनी अ सेकेंड। एंड अगर आप इस टाइप की कोई फोटो एडिटिंग करते हैं तो उसे आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे टैग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, आप इंस्टाग्राम आईडी के वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको और आगे वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलते हैं अपने पिक्सआर्ट में एंड सीखते हैं कि इस फोटो की एडिटिंग कैसे करते हैं। सो लेट्स गो इन द पिक्सआर्ट। सो अब हम पिक्सआर्ट के अंदर अपने बैकग्राउंड को ऐड कर चुके हैं। एंड अब हम अपनी खुद की पीएनजी को ऐड करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी क्रॉप करके रख सकी थी, तो उसे हम इंसर्ट कर लेते हैं। इसे क्रॉप कैसे करते हैं उसकी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। सो अपनी पीएनजी को हमें सेट कर लेना है बैकग्राउंड के एकदम बीचों बीच में, सेंटर में। एंड जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है या कुछ भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे आप इरेज कर सकते हैं। जैसे अपने बालों के पास जो भी साइड से जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसे आप इरेज कर सकते हैं ब्रश की मदद से, इरेजर से। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया एंड आप इसको मैं कर लूँगा अप्लाई। तो अप्लाई करने के बाद हम अपनी फर्स्ट पीएनजी को ऐड करेंगे, जो भी कलर पीएनजी है तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। एंड इस पीएनजी को अपने फेस के पास ले जाके इसे थोड़ा सो छोटा करके अपने फेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, जिस तरह भी आपका पोज है एंड इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद इसे परफेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ करके साइज ठीक कर लेते हैं इसको, तो अपने फेस के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद हम जाएंगे ब्लेंड में, एंड ब्लेंड जाके हमें से जाना है डार्कन पे, डार्कन पे जो कलर थोड़ा फेस पे अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद हम जाके इरेज पे अपने इरेज करके इन्वर्ट कर लेंगे, एंड अपने ब्रश के हार्डनेस को कम करके ऑपेसिटी थोड़े कम कर लेंगे। एंड उसके बाद अपने फेस पे कलर बनाना चालू कर लेंगे, लाइक रियलिस्टिक थोड़ा रहे कि लाइक हाँ एक्चुअली में कलर लगा रखा है। तो दोनों साइड गालों पे अच्छे से कलर को अप्लाई कर लेना है, अच्छे तरीके से अपने फेस पे कलर पूरे लगा देने के बाद हम इसे कर देंगे अप्लाई। एंड अब अपनी सेकेंड पीएनजी को हम ऐड करेंगे, जो कि है एक फिर से कलर पीएनजी है। इस कलर पीएनजी को हम अपने कपड़े के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जैसे जूम कर लेंगे अपने शर्ट या टी शर्ट, आप जो भी पहन रखे उसके अकॉर्डिंग अपने कपड़े पर एडजस्ट कर लेते हैं। एंड इसे अपने परफेक्ट लगा लेते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक लगे। एंड उसके बाद इसे एडजस्ट करके आप जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं, ताकि ये फेक ना लगे, थोड़ा रियलिस्टिक लगे। एंड डन, इसे कर लेंगे हम फिर से अप्लाई। तो अप्लाई कर, अब हम यहाँ से अपने ऐड करेंगे थर्ड पीएनजी को, जो कि है फुल कलर की पीएनजी। तो इसे आप जूम कर लेंगे, एंड इन सारी पीएनजी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब इस पीएनजी को हम करेंगे इरेज, इरेज पर आके अपनी हार्डनेस को कम करके ऑपेसिटी को कम करके साइज बढ़ा देंगे। एंड अपने फेस के पास से एंड हल्का फुल्का कपड़े के पास से इसे इरेज कर लेंगे, सादा भी नहीं, एक हल्का फुल्का, लाइक थोड़ी सी आपकी बॉडी दिखे एंड फेस वगैरह क्लियर दिखे। एंड उसके बाद इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे है आप वो कलर चाहिए वहाँ पे आप कर सकते हैं ऐड, एंड बाकी जगह से एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से। एंड उसके बाद इसकी जो ऑपेसिटी है इमेज की थोड़ी सी कम कर लेंगे, एंड डन, एंड इसे कर देंगे अप्लाई। अब उसके बाद जो हमारी लास्ट पीएनजी वो हमारी हैप्पी होली की पीएनजी, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं अपनी फोटो में। तो यार ये हमारे पीएनजी, इसे आप थोड़ा सा नीचे साइड आके अपने फ़ोटो में ऐड कर दें। अगर आपके में ऊपर स्पेस आप ऊपर एड्रेस में, इसे नीचे ऐड कर ले रहा हूँ एंड थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो इसे कर देते हैं अप्लाई, डन हो गया। एंड आपके पास अगर आपके पास कोई लोगो है तो आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको ब्लेंडर के चेंज कर देते हैं एंड साइड में कॉर्नर में जगह कर लेता हूँ, ठीक नहीं लग रहा, मैं दूसरा अप्लाई कर लेता हूँ, तो दूसरे लोगो को लगा लेते हैं। तो ये रहा वाइट वाला, एंड ये थोड़ा सही लग रहा है, परफेक्ट। एंड इसे एडजस्ट करके अप्लाई कर दिया, एंड अपनी पेज इमेज को करते हैं सेव। एंड अब चलते हैं लाइट रूम के अंदर, तो मैं इमेज कर देता हूँ। तो अब हमारी इमेज लाइट रूम के अंदर ऐड हो गई है, तो यहाँ से करेंगे एडिटिंग चालू। सबसे पहले हम चलेंगे ऑटो पे, एंड ऑटो पे कलर एडजस्ट हो गया। अब जब कलर पर जाके खजा एक्सपोजर इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, थोड़ा बस हाँ लाइक इतना सही। एंड शेडो को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद इसे करते हैं ठीक। अब चलते हैं कलर पे, एंड यहाँ पे इसके वाइब्रेंस को बढ़ा लेंगे। एंड अब चलेंगे मिक्स टूल के अंदर, मिक्स टूल में सबसे पहले हम जाएंगे ऑरेंज कलर पे, एंड अपने फेस के कलर को की सैचुरेशन रूम करके लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लाइक हमारा फेस थोड़ा ब्राइट हो जाए। एंड येलो की सैचुरेशन बढ़ा लेंगे, ग्रीन के सैचुरेशन बढ़ा के ह्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे,
अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हैं। एंड बाकी अब इसके साथ जितने भी कलर्स हैं हम उन सबके सजेशन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे, जिससे जो हमारे कलर हैं ज़्यादा अच्छे से ब्राइटली दिखें, तो सबके सजेशन हम बढ़ा देते हैं एंड कर लेते हैं ऐसे डन। डन के बाद कैसे चलेंगे कलर ग्रेडिंग के अंदर। ग्रेड के अंदर हमसे पहले शैडो को करेंगे, शैडो में हम चूज़ करेंगे हल्का सा रेड कलर एंड इसकी सजेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इमेज में रेड टोन आ जाए। एंड शैडो को करने के बाद इसे और कलर यूज करेंगे। अब चलेंगे सेकेंड ऑप्शन पे मिड टोन पे। मिड टोन पे भी हम रेड कलर का यूज़ करेंगे एंड उसकी सजेशन बढ़ा देंगे, इस मेथड में कॉन्टूर में रेडिश टोन आ जाए। एंड फिर चलेंगे ग्लोबल पे जाके हम पिंक कलर चूज करके एंड उसका सजेशन को भी हल्का सा बढ़ा के बढ़ाएंगे, लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लुमिनस थोड़ा सा कम कर देते हैं या नॉर्मल रहने देना, थोड़ा सा देख लेते हैं सही है। एंड सचुएशन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे पिक के अकॉर्डिंग, थोड़ा कम कर लेता हूँ एंड चलो इतना सही है, अभी से कर लेते हैं डन। अब चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे एंड यहाँ पे जाके हम देंगे अपने फोटो में टेक्सचर देंगे, क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे लाइक हमारी फोटो और बेटर हो जाए एंड डीहेज को भी इंक्रीज करेंगे एंड विग्नेट को थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइक ब्लैक शेडो आ जाए हर साइड से। एंड अब साथ में दे देंगे सो बस इसी बात हमारी बस इतने स्टेप से हमारी हो जाती है फोटो एडिट, लाइक पहले ऐसे ही होगी। अब कलर ग्रेडिंग करेंगे कितना बेटर और पिक लग रही है हमारी, तो इसे करते हैं सेव। एंड इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही और ज़्यादा बहुत सारी फोटोज़ की वीडियोज़ आने वाली हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, तो जाइए लिंक पे फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे एंड वहाँ भी सपोर्ट करिए। बाय बाय।